अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। एक गांव में नागराज नाम का एक धनवान रहता था। वो अलग अलग किस्म के मुकाबले करके लोगों को परेशान करते रहता था। इंसानों को पेट से उल्टा लटकाकर नीचे नारियल रखकर उसमें से पानी पीना, हाथ से गन्ने का रस निकालकर पीना, इंसान को उठाकर भागना, ऐसे अजीब चैलेंजेस करता था। लेकिन अगर कोई उस शर्त में हार जाता तो उनसे 2 गुना ज्यादा पैसे वसूल करता था। दूसरे अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो देखकर नागराज बहुत खुश होता था। उसका लगाया चैलेंज कोई नहीं जीत सकता है, ये नागराज को यकीन था। नागराज के लगाए शर्त में भाग लेने के लिए पड़ोसी गांव से भी लोग आते थे। एक बार नागराज उसके आयोजन किए गए डांस कंपटीशन में जीतने वाले को 1 लाख का बहुमान मिलेगा, यूं घोषित किया। वो जानकर नानी नाम का डांसर नागराज के पास आया। सारे लोग उस डांस कंपटीशन को देखने आए। नानी नागराज से, बताइए सर, कौन से गाने पर नाचना है बताइए, नॉन स्टॉप नाचूंगा, चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा, 1 लाख तैयार कीजिए, यूं कहा नागराज। तैयार तो मैं रख लूंगा, 1 लाख तैयार करना तो छोड़ो, तुम्हारे नाचने के लिए स्टेज रेडी करूंगा, यूं कहा नानी। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है कि आज कई लोग भी आए हैं, सबको मेरा डांस परफॉर्मेंस दिखाकर खुश कर दूंगा। रुको रुको, पहले तुम्हें नाचना किस पर है वो तो जान लो। किस पर नाचना है, क्या कह रहे हो सर, स्टेज पर ही तो नाचना है ना। स्टेज पर नहीं, कांच के टुकड़े पर नाचना होगा। क्या, कांच के टुकड़े पर नाचना है? नो, मैं नहीं नाचूंगा। अगर नहीं नाचे तो बात के प्रकार तुम्हें मुझे 2 लाख देकर जाना होगा, वरना मेरे आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम उन कांच के टुकड़ों पर बिना रुके 10 मिनट तक नाचकर हमें एंटरटेन करना होगा, वरना क्या होगा तुम तो जानते हो ना। अब नानी कुछ नहीं कर सका तो उन कांच के टुकड़ों पर डांस करने लगा। उसे यूं कांच के टुकड़ों पर नाचते देख नागराज बहुत खुश हुआ। नानी अब और नहीं नाच सका तो बेहोश होकर गिर गया। नानी की ये बात जानकर उसके जीजा नरेश सुरेश महेश नानी की हालचाल पूछने नानी के घर आए। नानी के पैर पर पट्टी बांधा हुआ था। नरेश नानी से, क्या हुआ रे, हमेशा डांस करते हुए तुम खुश रहने वाले थे, आज बिस्तर पर लेटा देख बहुत दुख हो रहा है, क्या हुआ? तब नानी नरेश को जो हुआ वो सब बताया। नानी, जीजा जी, उस नागराज को बिल्कुल मत छोड़ना, किसी भी तरह बदला लेना होगा। तब सुरेश, जरूर लेंगे रे बदला, उस नागराज को अपने पास बहुत पैसे है, ये घमंड से ऐसे लोगों के साथ खेल रहा है, उसे सबक सिखा कर रहेंगे, यूं कहा। फिर कुछ दिनों बाद नागराज अंडरग्राउंड फूड चैलेंज यू कहकर घोषित किया कि जीतने वाले को 3 लाख का बहुमान देगा। नरेश सुरेश महेश नागराज के पास उस अंडरग्राउंड फूड चैलेंज में भाग लेने के लिए गए। नागराज, तुम तीनों अंडरग्राउंड फूड चैलेंज के लिए तैयार हो क्या, यूं पूछा तीनों एक साथ। हाँ तैयार है। नागराज, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम लोग हार गए तो 1-1 मुझे 6-6 लाख देना होगा। सुरेश, तो फिर तीनों जीत गए तो, यूं पूछा नागराज। जीतोगे वो मुमकिन नहीं है, ठीक है अगर जीत गए तो मैं ही तुम तीनों को पैसे दूंगा। महेश, सर जी पहले चैलेंज तो शुरू कीजिए। नागराज, रुकिए रुकिए, अंडरग्राउंड फूड चैलेंज यानी तुम लोगों को अंडरग्राउंड भेजकर वहां तुम लोगों को खाना परोसना नहीं है, तुम लोगों को गले तक मिट्टी में दफना देंगे, फिर तुम्हारे सामने सब प्रकार के पकवान रखेंगे, तुम लोगों को फिर अपने मुंह से वो सब खाना होगा, यूं कहा। तब तीनों, ठीक है हम तैयार हैं, यूं बोले। वे ओके कहते सुनकर नागराज हैरान रह गया। फिर तीनों को उनके गले तक मिट्टी में दफना दिया। उनके सामने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन लेग पीस, चिकन कबाब, ये सब रखा। नागराज अपने मन में, अब ये सब खा नहीं सकते, वे ही मुझे पैसे देंगे, यूं हंसने लगा।
लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनके मुंह के सामने रखे प्लेट खुद ब खुद उड़कर उनके मुंह तक आ गए। इस तरह वे तीनों वाहन जो भी था वो खा गए। लोग वो देखकर तालियां बजाए। नरेश, सुरेश, महेश नागराज के पास आकर, हमें देने वाले 9 लाख हमें दे दो। नागराज, ये कैसे किया? यूं आश्चर्य से पूछा। नरेश, देखो नागराज, कल डांस कॉम्पिटिशन में हमारे नानी से कांच के टुकड़ों पर डांस करवाकर उसकी ये हालत करने के लिए तुमसे बदला लेने के लिए हम आए थे। और रही बात प्लेट की, तुम्हारे प्लेट्स को बदल कर हमारे प्लेट्स को रखे और वो रिमोट से काम करने वाले रोबोटिक प्लेट्स है। अब से गाँव वालों को ऐसे अजीब गरीब चैलेंज से तंग किए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? कहकर नागराज से पैसे लेकर गए। कुछ पैसे नानी को भी दिए। तब से नागराज ऐसे कोई चैलेंज नहीं करता था।